पहुंचे हैं, आपने हस्ताक्षर किया है, वो उपस्थिति आपकी मानी जाएगी। क्योंकि संख्या थी 8 या 9 की, नए सदस्य मिल जाएंगे 1 या 2 तो 10 या 11 उनके हो जाएंगे। तो अपनी कार्रवाई रजिस्टर में प्रक्रिया है वो पूरी है, तो आपका महत्व उतने ही बराबर है। अब बात आती है कि अपन जब बैठक में रहते हैं, किसी काम के चर्चा होती है, प्रस्ताव पढ़ते हैं या किसी काम की जानकारी दी जाती है कि हमारे पंचायत क्षेत्र में इस समय शौचालय निर्माण के काम चल रहे, जानकारी के लिए जो आपकी बैठक की अध्यक्षता सरपंच कर रहे हैं उनसे अनुमति लेकर आप इस संदर्भ पर बातचीत कर सकते हैं कि पंचायत की बैठक होती है, उस बैठक के अंतर्गत हमें सभी विषयों पर बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी बनाना है, बातचीत करना है, काम के संबंध में जानकारी लेना है, और काम के संबंध में जानकारी देना मतलब प्रस्ताव पारित कराना, योजना बनाना। आज से 30 साल पहले 40 साल पहले क्या व्यवस्था थी? पहले ये था कि राजा जो होता था वही राजा बनता था, राजा के लड़के हुए उनकी संतानें हुई तो वो राजा, राजा के बच्चे राजा, चाहे वो राजा के लड़का लायक हो चाहे नालायक हो। जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, हर जगह आरक्षण दिया जा रहा, लेकिन आरक्षण देने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे। इसलिए पंचायत में प्रशिक्षण दिया जा रहा महिला सशक्तिकरण का, इसमें ग्राम सभा की बैठक में आप लोग अवश्य आए। लेकिन हम पंच के अधिकार और कर्तव्य पर कभी नहीं जाते हैं, आपको पता नहीं होगा पंचों के कितने अधिकार हैं। आप चाहें तो पंचायत की व्यवस्था को बदल सकते हैं। फिर आपको तकलीफ होगा, तो अपने को इसीलिए नहीं ये सब पढ़ाया जा रहा है कि अपन लड़े किसी से, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। यदि हम लोग पंच बने हैं तो अपने को पता तो होना चाहिए हम लोगों को होना क्या है, क्या करना है। पता चला पंच बन गया, 5 वर्ष निकल गया, फिर सोचा रहे हम तो बने रहेंगे, हम कुछ कर नहीं पा रहे। यदि वास्तव में पंच आप लोग चुने गए और सरपंच जी आपको मानते हैं तो सबको मिलकर अपनी पंचायत के लिए कुछ काम करना है, और काम करना है तो जानकारी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आना, कैसे बैठना, कैसे क्या करना, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, क्या योजना सरकार का चल रहा है, कौन सी योजना हमारे गांव के लिए उपयोगी है, ये सब चीज अपने को पता होना चाहिए। ये तभी पता होता है जब अपन घर के चूल्हा चौका से थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं। अब घर पे रह के हम चाह रहे हमें सब कुछ पता चले, ये संभव नहीं है, है क्या? आप बताइए, घर में रहते हुए नहीं संभव होता ना। घर में महिलाओं के लिए क्या बच्चे हैं, गाय बकरी सब बहुत सारा काम होता है, तो महिलाओं का ये दोहरा दायित्व मिला अपने को, घर का भी करना है और बाहर का यदि कोई जिम्मेवारी मिले पंचों का तो अपने को उसका भी निर्वहन करना है। इसीलिए सरकार ने सोचा, एक जबलपुर में SIRD होती है, एक संस्था है, उन्होंने सोचा भाई महिलाओं को 3 दिन के लिए बाहर निकाला जाए, कुछ नई चीज पढ़ाया जाए, फिर उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें दिखाया जाए, इसके लिए प्रयास है। आप लोग ये आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा। भोजन ठीक था? ठीक था, खाए थे आप लोग?